कुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा की पार्लियामेंट में पहली बार सियाह फाम स्पीकर मुंतखब। साबिक स्पीकर एंथोनी रोटा के मुस्ताफी होने के बाद स्पीकर की सीट खाली थी। नए स्पीकर का पहला काम यारसोला हंका मामले पर पार्लियामेंट की मदद करना होगा। भारत से तनाज़ा बढ़ाने के ख्वाहां नहीं हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि भारत में कैनेडियन खानदानों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। ट्रूडो का भारत से सिफारतकारों को वापस बुलाने के मामले पर तस्दीक से इनकार। टोरंटो में गर्मी का दो दहाई पुराना रिकॉर्ड टूट गया। मंगल के रोज दर्जा हरारत अक्टूबर के आम मौसम से कहीं ज्यादा रहा। बुध और जुमेरात को शहर का मौसम गर्म रहने का इम्कान। जो बाइडन की हिमायत का इल्ज़ाम, ट्रंप की जमात ने अपने स्पीकर को हटा दिया। रिपब्लिकन स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। केवन मैककार्थी को अहदे से हटाने के लिए कांग्रेस में तारीखी वोटिंग हुई। अमेरिका ने खालिस्तान को आज़ादी इजहार राय का मामला करार दे दिया। वेदांत पटेल का कहना है कि हम खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। अमेरिका में लोगों को पुरअमन तरीके से जमा होने का हक है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा में 54 साल रुकन असेंबली ग्रेग फ्रेगल्स हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सियाफाम स्पीकर बन गए, जो लिबरल रहनुमा और एक कानून दान की हैसियत से मकबूलियत रखते हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की पार्लियामेंट में पहली बार सियाह फाम स्पीकर को मुंतखब किया गया है। कनाडा में 54 साल रुकन असेंबली ग्रेग फ्रेगल्स हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सियाह फाम स्पीकर बन गए, जो लिबरल रहनुमा और एक कानून दान की हैसियत से मकबूलियत रखते हैं। साबिक स्पीकर एंथोनी रोटा के मुस्ताफी होने के बाद स्पीकर की सीट खाली थी, जिसके बाद लिबरल पार्टी के ग्रेग फ्रेगल्स खुफिया राय शुमारी में कनाडा के 38वें स्पीकर मुंतखब हुए हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने नौ मुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि एंथोनी रोटा ने नाजी यूनिट के साबिक सिपाही को पार्लियामेंट में मदु करने और खड़े होकर इस्तकबाल करने पर दबाव के बायस इस्तीफा दिया था। साबिक स्पीकर एंथोनी रोटा दूसरी जंग अजीम में नाजी फौजी की जानिब से लड़ने वाले एक शख्स को तकरीब में मदु करने और एजाज देने पर शदीद अवामी एहतजाज के बाद गुज़िश्ता हफ्ते इस्तीफ़ा दे दिया था। स्पीकर एंथोनी रोटा ने 98 साल नाजी फौजी का यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गुज़िश्ता माह कनाडा की पार्लियामेंट में तकरीर के बाद खड़े होकर इस्तकबाल किया था और उसे जंगी हीरो के तौर पर मुतारिफ़ कराया था। तकरीर में बताया गया था कि नाजी फौजी हंका ने जंग अजीम दो में यूक्रेनी डिवीजन की जानिब से जंग लड़ी थी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो भारत से तनाज़ा बढ़ाने के ख्वाहां नहीं हैं और भारत में कैनेडियन खानदानों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो भारत से तनाज़ा बढ़ाने के ख्वाहां नहीं हैं और भारत में कैनेडियन खानदानों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत नई दिल्ली के साथ सिफारती तनाज़े को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि आया कनाडा 41 कैनेडियन सिफारतकारों को हटाने के बारे में हिंदुस्तान के रिपोर्ट करदा फैसले से मुताबिकत रखता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कैनेडियन वजीर आजम ने भारत की जानिब से सिफारतकारों को वापस बुलाने के मामले पर तस्दीक से इनकार कर दिया।
जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हम भारत से तनाज़ा बढ़ाने के ख्वाह नहीं हैं और भारत से तामीरी बातचीत जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत में वहाँ कैनेडियन ख़ानदानों की मदद के लिए मौजूद रहना चाहते हैं। हम वो काम करने जा रहे हैं जो इस इंतहाई मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान के साथ तामीरी ताल्लुकात को जारी रखने में अहमियत रखता है। ट्रूडो ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ कनाडा के सिफारती ताल्लुकात इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और ये कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े ने हमारे लिए ये अहम बना दिया है कि हमारे सिफारतकारों वहाँ हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करें ताकि कैनेडियन ख़ानदानों की मदद की जा सके। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी मीडिया ने दावा किया था कि भारत ने 10 अक्टूबर तक कैनेडा से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का मुतालबा किया है और नई दिल्ली ने 40 से ज़ायद सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने को कहा है। टोरंटो में गर्मी का 2 दहाई पुराना रिकॉर्ड टूट गया। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि 3 अक्टूबर को गर्मी का पिछला रिकॉर्ड 2001 में था, जब टोरंटो में दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि 3 अक्टूबर को गर्मी का पिछला रिकॉर्ड 2001 में था, जब टोरंटो में दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टोरंटो में मंगल को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई, जब दर्जा हरारत अक्टूबर के आम मौसम से कहीं ज्यादा रहा। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि मंगल को सुपहर शहर में दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड था, जबकि दिन के लिए औसतन 17 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। धूप के आसमान और नमी के साथ मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि ऐसा महसूस हो सकता है कि यह 33 सेंटीग्रेड है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि 3 अक्टूबर को गर्मी का पिछला रिकॉर्ड 2001 में कायम किया गया था, जब टोरंटो में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, और एजेंसी बुध को दोबारा गर्म मौसम की पेशगोई कर रही है, जिसमें दिन के वक्त दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड और रात के वक्त कम से कम 19 सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। जुमेरात को ज्यादा गर्म मौसम और बारिश का इम्कान हफ्ते के आखिर तक जारी रहने की तवक्को है। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन ने ऐवान नुमाइंदगान में अपने स्पीकर क्यों मैकार्थी पर हुक्मरान जमात की बेजा हिमायत का इल्ज़ाम आयद करके अदम एतमाद तहरीक के जरिए अहदे से हटा दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन ने ऐवान नुमाइंदगान में अपने स्पीकर क्यों मैकार्थी पर हुक्मरान जमात की बेजा हिमायत का इल्ज़ाम आयद करके अदम एतमाद तहरीक के जरिए अहदे से हटा दिया। अमेरिका में रिपब्लिकन स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जिसके बाद केविन मैकार्थी को अहदे से हटा दिया गया। रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैकार्थी को अहदे से हटाने के लिए कांग्रेस में तारीखी वोटिंग हुई। इस दौरान ऐवान नुमाइंदगान के 426 में से 216 अरकान ने केविन मैकार्थी के खिलाफ वोट दिया। 8 रिपब्लिकन अरकान ने राय शुमारी में केविन मैकार्थी की मुखालफत की। ये इंतखाब मैकार्थी के लिए इतना आसान ना था। ऐवान नुमाइंदगान के 5 रोज से जारी इजलास में मुसलसल 14वीं बार वोटिंग में किसी भी एक उम्मीदवार को अक्सरियत की हिमायत हासिल ना हो सकी थी। ताहम 15वीं वोटिंग में केविन मैकार्थी अपने चंद साथियों को कायल करने में कामयाब हो गए थे। गैर मुल्की खबर इस अदारे के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट से तावुन पर सख्त गिर रिपब्लिकन्स केविन मैकार्थी से नाला थे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैकार्थी को अहदे से हटा दिया गया। नए स्पीकर की तैनाती के लिए 10 अक्टूबर को इजलास बुलाया गया है और मुमकिन तौर पर इजलास के अगले रोज स्पीकर के लिए राय शुमारी की जाएगी। याद रहे कि केविन मैकार्थी ने 4 साल तक स्पीकर रहने वाले हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की नैन्सी पेलोसी को रवां बरस जनवरी में बामुश्किल शिकस्त दी थी। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि अमरीका खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार देता है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि अमरीका खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार देता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वेदांत पटेल ने एक बयान में कहा है कि अमरीका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है, हम खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली तरमीम के तहत अमरीका में लोगों को पुरअमन तरीके से जमा होने का हक है। उनका कहना था कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए इल्जामात पर गहरी तशवीश है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात का आगे बढ़ना इंतहाई अहम है। वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका ने आवामी और निजी तौर पर भारतीय हुकूमत से कनाडा की तहकीकात में तावुन करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन पर सवाल का जवाब देते हुए अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अफगान महाजरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकत दार रहा है।
टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।